क्या रहा है एंटरटेनमेंट की दुनिया में, चलिए आपको दिखाते हैं। चाहत और नील का नया आशियाना। इस आशियाने में केवल प्यार को जगह मिलेगी, ये किसी भी धर्म और जाति को नहीं। ये बात नील और चाहत अभी से क्लियर कर देना चाहते हैं। बहुत ही क्यूट सी झोपड़पट्टी बनाई है, बहुत ही क्यूट है। एंड एट टाइम्स वो होता है ना, जब तुम बड़े बड़े घरों में रहते हो तो सडनली वैसे छोटे से हट में आकर भी बहुत ही बहुत अच्छा फील होता है। वो एक बहुत ही ग्राउंडेड सा फील करवाता है, क्योंकि मेरे घर का नाम बेग बंसल था और जो नील का घर है उसका नाम ध्यानी निवास था। तो जब हमारा घर उसका नाम भी तो होना चाहिए, तो हम प्लान करते हैं। तो फिर नील ने प्लान किया कि घर का नाम होगा हिंदू मुस्लिम हम, तो उसने शॉर्ट फॉर्म में उसको हम कर दिया। माना कि नील और चाहत का ये आशियाना बहुत छोटा सा है, लेकिन भाई इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन दोनों का दिल तो बहुत बड़ा है। इस छोटे से घर में पूरे विधि विधान के साथ नील ने जरा देखिए कैसे अपने पत्नी का गृह प्रवेश किया। दूध से चाहत के पैरों को धोकर उसे इस घर में आने का न्योता दिया। ऐसा पति भला किसी को कहाँ मिलता है। अबे क्या करे, इस सीरियल की दुनिया में ही ऐसा पति मिलता है। वो दूध से मेरा पैर धोया एंड देन मैंने घर के अंदर कदम रखे। अब नील और चाहत ऐसी स्टेज पे आ गए जहाँ ना चाहत की फैमिली उन्हें अलाउ कर रही है ना नील की फैमिली उन्हें अलाउ कर रही है। तो दोनों ने फैसला लिया कि दोनों अकेले रहेंगे। पर अब दोनों के पास एक दूसरे के रिलीजन को लेके इतनी रिस्पेक्ट है। सो दे मेक श्योर कि एक दूसरे के रिलीजन का कोई भी ऐसा फेस्टिवल हो या फिर कोई भी ऐसा रिचुअल हो जो मिस ना हो। तो नील ने ऐसा अपने दिमाग में ध्यान में रखा कि जो चाहत के रिचुअल्स है वो पूरे हों एंड ही मेक श्योर कि उसके रिचुअल्स भी पूरे हों। तो एक बैलेंस बना के दोनों अपने अपने रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करके जी रहे हैं। ये चाहत और नील की इस नई जिंदगी में आपको क्या लगता है, सब कुछ आसान होगा क्या? अगर सब कुछ आसान होता तो सीरियल की कहानी में ये ट्विस्ट कैसे आएगा? तो इंतजार कीजिए, क्योंकि इस घर में भी बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जिसके लिए आपको कुछ ही पल का इंतजार करना होगा। मुंबई से कैमरामैन अनुप्रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।